हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ राजरानी। राजरानीज किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन। तो बटर चिकन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है, आप चुन चुन के भी ले सकते हैं। मैंने होल चिकन लिया है, तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर और दही दही दे रही हूँ। दही मैंने 2-3 टेबल स्पून लिया है। इसमें नमक दे रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी मैं 2 टीस्पून। और मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून विनेगर। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ में अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने मसाला अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में थोड़ी सी पानी बॉईल करके रखी हुई हुई इसमें, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कटी हुई प्याज बड़े साइज़ का, 1 टमाटर कटी हुई, और इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला, थोड़ी 10-15 काजू, थोड़ी सी सौंफ 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून जीरा। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। चार से पाँच मिनट के लिए इसको बॉईल करें। अब मेरी जो मसाला जो है फ्राई हो चुकी बॉईल हो चुकी है, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और एक चीज़, हम इस पानी को नहीं फेंकेंगे, मैं बताऊंगी आपको इसको क्या करना है। तो सारी चीज़ों को मैं निकाल ली हूँ, इसको ठंडा करके फिर इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये जो पानी है इसको मैं चिकन बनाने के टाइम यूज़ करूँगी। तो मैंने दूसरा कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, सरसों तेल 2 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ी सी बटर डाल दी है मैंने, मेरा वीडियो स्किप हो गया थी। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी चिकन पीसेस। आप चिकन के पीसेस, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। मैं पूरा चिकन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि घर की है। तो ये मैं चिकन पीसेस को अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम उसको निकाल लेंगे। देखिए कितने ऑयल निकल गई है। तो चिकन पीस को हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे अपना ग्रेवी। पहले हम चिकन पीस को निकाल लेते हैं। मैंने चिकन पीसेस को पूरा निकाल ली है। अब इसी कढ़ाई में मैं जो मेरी पीसी हुई मसाला थी, प्याज काजू सब कुछ की, तो उसे मैं फ्राई कर लूँगी। और ये मेरी मिक्सी के पॉट में बहुत सारी मसाला लगी हुई है, तो इसी मसाले में पॉट में मैं जो बॉइल्ड मसाला की पानी थी, वाटर थी, तो उसे मिला के उसी से मैं धो के इसमें डाल दूँगी। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। पहले मसाला को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। बटर चिकन खाने में बहुत ही लजीज होती है। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में मिल जाएगी।
मसालों को हम 5-10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैंने मिक्सी धो के भी पानी डाल दी है, इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो मैं अभी मसाला जो है 2 मिनट के मैंने इसको ढक दी थी, तो अभी मसाला फ्राई होने के बाद मैं सारा चिकन पीसेस को भी डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिला लूंगी। यहाँ भी मैं 5-10 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और इसको कवर कर दूंगी। कवर करके पकाने से चिकन जो है जूसी बनती है। मैंने थोड़े से इसमें पानी डाल दिए, इसको फिर से मैं कवर करने वाली हूँ और पानी दे देती हूँ, पानी बहुत कम है। चिकन पीसेस को डुबोना है, इतना पानी देना है। तो अभी थोड़ा सा उबाल आने के लिए हम छोड़ देंगे। उबाल आने के बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे। अभी इसको कवर करके हम 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। तो मेरी चिकन जो है बॉईल हो चुकी है। अब थोड़ी रस जो इसको सुखाना बाकी है, इसमें बाकी का मैं जो सामान है मैं वो डाल दूँगी। मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी को हमेशा कढ़ाई में हल्का गरम करके इसको तोड़ के फिर डालें। तो मेरी चिकन बटर चिकन जो है रेडी है। फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो पे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।